नाउ वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायट सेवेट्स लॉ। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बायट सेवेट्स लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बायट सेवेट्स लॉ को अप्लाई करके हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। आई करंट विल फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई। इन दिस केस वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। आपको इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को है फाइंड आउट करना है। लेट सपोज करते हैं कंडक्टर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, दिस इज एम, पी डिस्टेंस इज आर। नाउ लेट अस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, तो लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डी एल। ये करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की लेंथ है डी एल, जो कि इस पी पॉइंट से कैपिटल आर डिस्टेंस जो है वो दूर है। दैट मीन्स पी सी डिस्टेंस इज कैपिटल आर, पी एम डिस्टेंस इज स्मॉल आर, एंड दिस करंट एलिमेंट हुज लेंथ इज डी एल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट एंड द पी पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्ट्स लॉ डी बी, अगर ये आपने करंट एलिमेंट सपोज किया हुआ है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कितनी होगी, स्मॉल होगी, दैट इज डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो आर है, हम एक्चुअल फॉर्मूले में जो हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ लिया था वहाँ पर स्मॉल आर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है सी और पी के बीच में दैट इज कैपिटल आर कंसिडर्ड है, तो हम यहाँ पर डी कैपिटल आर डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर वन। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। लेट अस कंसिडर दिस एंगल जॉइन एक्स एंड पी, तो ये वाला जो टोटल एंगल है इट विल बिकम्स 51। अगर हम इसको भी ज्वाइन करते हैं, ये इस वाई पॉइंट को पी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये टोटल एंगल जो आपको बनता है, लेट सपोज करते हैं यहाँ तक इस पी सी तक जो एंगल बन रहा है, टोटल एंगल एक्स एक्स तक फाई है, ये आपका हो जाएगा 51। हम इसको माइनस 51 लेंगे बिकॉज ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो टेक इट 52। इस तरीके से आपने एंगल्स को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमें ये देखना है ट्राइंग, हमें यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसके अंदर हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। किसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, एक तो आपको साइन थीटा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, आई डी एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम अब इसी ट्राइंगल का यूज़ करके, पी सी एम ट्राइंगल का यूज़ करके, इन्हीं एंगल्स का यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी दैट इज विल बिकम द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो लेट अस सी कि हम इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल लेनी है पी सी एम, ये हमने एक राइट ट्राइंगल लेनी है। इस राइट ट्राइंगल के अंदर आप देखिए ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो थीटा प्लस फाई 90 का होगा बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी टू एंगल्स का सम भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो लेट अस राइट दिस इक्वेशन, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट करते हैं बिकॉज आपको साइन थीटा चाहिए, सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाइव कितना होता है, कॉस फाई होता है, एज जो मैथ्स में आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई। इसका मतलब हमारे पास अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू साइन थीटा की आ चुकी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। अब इसके बाद हम निकालते हैं इस कैपिटल आर की वैल्यू। इस कैपिटल आर की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही ट्राइंगल लेंगे पी सी एम ट्राइंगल। इस पी सी एम ट्राइंगल के अंदर हम
हमें कैपिटल आर फाइंड आउट करना है. तो कैपिटल आर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, हमें पता है हम यूज़ करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका साइन का फॉर्मूला होता है, ये कॉस का और ये टेंजेंट का होता है. अब हमें जो फाइंड आउट करना होता है उसे हम हमेशा ऊपर रखते हैं. अगर हमें यहाँ पर कैपिटल आर फाइंड आउट करना है तो हम ईजी क्या रहता है कि हम कैपिटल आर को ऊपर रखें न्यूमिरेटर में. तो कैपिटल आर, और हमें पता क्या है इसके अंदर, हमें सीएम तो पता ही नहीं है. तो यहाँ पर आप ये देखो, ये जो पीएम है, पीएम इज़ आर, और ये क्या है आपका कैपिटल आर. तो हमें आर फाइंड आउट करना है. तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये आपका क्या है, इट विल बिकम्स द बेस फाई के सामने वाला जो एंगल आपने सेकेंड फाई, आपने फाई निकालना है. तो फाई के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ये आपका बेस हो गया. तो पीएम बेस है और पीसी आपका हाइपोटेन्यूज है. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपका क्या एंगल बनता है, सीकेंड बनता है, कॉस का रिवर्स, क्योंकि कॉस होता है बी अपॉन एच, लेकिन हमें सीकेंड चाहिए तो एच अपॉन बी करना पड़ेगा. और एच क्या है यहाँ पर, पीसी, और बी क्या है यहाँ पर, पीएम है. तो पीसी अपॉन पीएम. अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. सीकेंड फाई पीसी आपके पास कैपिटल आर है, पीएम स्मॉल आर है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर सीकेंड फाई. तो अब आपके पास यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू भी आ चुकी है. अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, सिर्फ डीएल की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है. डीएल की वैल्यू भी इसी ट्राइंगल के अंदर से हम फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एमसी है, एमसी इज द लेंथ इज एल, पीएम, पीएम, पीएम हमें पता है स्मॉल आर है. हमें एमसी, हमें यहाँ पर एल फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है. तो आप फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डीएल आ जाएगा. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एल फाइंड आउट करना है, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम न्यूमिरेटर में प्लेस करते हैं, और ये स्मॉल आर है. तो L अपॉन R, इट विल बिकम से tan phi, tan phi L इज इक्वल टू R tan phi. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, L का dl हो जाएगा, R tangent phi, R और ये tangent phi, tangent phi का डिफ्रेंशिएशन होता है secant square phi, और phi का होता है d phi. तो अब आपके पास यहाँ पर dl की वैल्यू भी आ चुकी है, कैपिटल R की भी आ चुकी है, और साइन की भी आ चुकी है. ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपको ओरिजिनल फॉर्मूले में बायट्सवर्ट्स लॉ में पुट करना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ. अब पुट द इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. आर है आर कैपिटल स्मॉल आर सेकेंड फाई, डी एल की वैल्यू आर सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई. ये सारी वैल्यूज अब हमने यहाँ पर पुट करनी है. जब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए, आपका सीकेंड स्क्वायर फाई और सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाता है, ये स्मॉल आर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. तो आपके पास रह जाएगा म्यू नॉट 4 पाई डिनोमिनेटर में आई कॉस फाई डी फाई, और नीचे आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हुआ था तो एक ही आर आपके पास रह जाता है. तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई आर, दिस इज लेफ्ट. अब ये तो था सिर्फ एक करंट एलिमेंट पर जिसकी लेंथ dl थी, लेकिन हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट p के ऊपर. सो इंटीग्रेट दिस, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दिस इज कॉन्स्टेंट, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे. कॉस फाई डी फाई, इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, तो इसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे जो कि हमने अभी फिगर में देखा है. तो यहाँ से देखिए, एंगल माइनस फाई वन और फाई टू, तो यहाँ पर लिमिट्स आएंगी माइनस फाई वन से लेकर फाई टू तक. तो ये लिमिट्स हम पुट करेंगे, ये लिमिट्स अप्लाई की. उसके बाद कॉस फाई डी फाई, ये क्या आपका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा. तो इट विल बिकम साइन फाई. अब लिमिट्स माइनस फाई वन टू फाई टू. अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे. लिमिट्स अप्लाई करते ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हमारे पास फाई टू है, तो फाई की जगह पर फाई टू आ जाएगा. माइनस, और एक माइनस इस माइनस के साथ भी है, तो माइनस लोअर लिमिट साइन फाई, साइन माइनस फाई वन, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. अगर हम साइन माइनस फाई वन पुट कर रहे हैं तो इट विल बिकम्स माइनस साइन फाई वन. तो ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, दैट विल बिकम्स प्लस, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है. तो वो माइनस और इस एंगल का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन.
तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर. नाउ कम टू द केसेस. अब हम केसेस डिस्कस करेंगे. केस नंबर वन, 5-1 अगर 90 डिग्री, यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक 5-1 है एक 5-2 है, तो दोनों पर केसेस डिस्कस करेंगे. अगर 5-1 90 डिग्री है और 5-2 90 डिग्री, दोनों ही एंगल्स अगर 90-90 के हैं, तो पुट 90 साइन 90 साइन 90. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1+1 इट विल बिकम्स 2. तो बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. अब ये नीचे 4 था, तो दिस विल कैंसिल एंड इट विल बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. नाउ द केस नंबर 2, इन दिस केस 5-1 इज 90 डिग्री एंड अगर 5-1 90 डिग्री का हो गया, 5-1 90 है, साइन 5-1 जीरो, अगर हम 5-2 को 0 ले लेते हैं और 5-1 को 90 ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, साइन 90 वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, लाइक दिस, साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री. तो 0 प्लस 1 इट्स 1. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. तो आपने ये नोटिस करो कि अभी आपके पास फॉर्मूला निकला था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. मीन्स जब दोनों एंगल्स 90-90 के थे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा था, लेकिन जब एक एंगल आपका 90 का और दूसरा 0 है, तो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. तो इससे हमें ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर नियर द सेंटर, अगर वो सेंटर के पास है तो वो डबल होगा एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड नियर इट्स वन एंड. एक सेंटर पर डबल होगा एज कम्पेयर टू इट्स वन एंड. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द बायट-सेवर्ट्स लॉ. नाउ कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन. देयर आर द 3 एप्लीकेशंस, बट टुडे वी विल डू द 2 एप्लीकेशंस. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉयल. मैग्नेटिक फील्ड को हमें सर्कुलर कॉयल के, अभी हमने स्ट्रेट फाइंड आउट किया था स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, अब हम फाइंड आउट करेंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल. सर्कुलर कॉयल के सेंटर के वजह से क्या होगा, सेंटर पर कितना होगा. तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ. एक करंट आई, ये करंट आई फ्लो कर रहा है जो कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस कॉयल, इस सर्कुलर कॉयल के अंदर. तो हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, उसके सेंटर पे फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए फिर से हम वही चीज़ करेंगे. पूरा करंट आई फ्लो कर रहा है एक छोटा सा, और इस पूरे की जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज़ एल, जिसे हम 2 पाई आर बोलते हैं, हम उसको एल इसकी सर्कमफ्रेंस है. तो एल इसकी जगह हमने एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करना है, जैसे कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर में किया था. एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करेंगे, करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एल है, और ये पॉइंट हम सी कंसिडर कर लेते हैं. तो दिस ओ सी डिस्टेंस जो है दैट इज़ आर, और द करंट एलिमेंट हुज लेंथ इज डी एल. अब हमने यहाँ पर बायट-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करना है. सो अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि आई डी एल और आर के बीच में कितना एंगल है. तो आप देखो यहाँ पर एंगल बिटवीन आइडियल करंट एलिमेंट और आर के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री पर एक्ट है. सो पुट साइन 90, हम क्रॉस प्रोडक्ट है इसको सॉल्व करेंगे. आइडियल आर साइन 90 डिग्री अपॉन आर क्यूब. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. अब नेट मैग्नेटिक फील्ड ये तो आपका एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से था, लेकिन हमें पूरे सर्कुलर कॉइल पर फाइंड आउट करना है, इस सेंटर पर फाइंड आउट करना है. तो ये इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल. अब डी एल क्या है, आपकी सर्कमफ्रेंस है पूरे सर्कल की. एल क्या है, सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर इट विल बिकम्स 2 पाई आर. सो डी एल को अगर हम डी एल छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स को टोटल करेंगे तो इट विल बिकम्स द सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर. इसके बाद हम इसको 2 से 2 वन द 2 हम ये कैंसिल करेंगे. आर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आपके पास फॉर्मूला बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. सो अगर हम इस कॉयल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, इफ द कॉयल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम्स
म्यू नॉट आई एन अपॉन टू आर, यानी अगर कॉइल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम उसको उसी फॉर्मूले को म्यू नॉट आई अपॉन टू आर के साथ हम कैपिटल एन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द बाइट्सेविट्स लॉ. और कल हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल. अभी हमने सेंटर पर फाइंड आउट किया है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे वो ऑन द एक्सिस पर करेंगे सर्कुलर कॉइल के.